गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारा यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग में आखिरी दिन है और आज मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव जगह पे, जहाँ पे सबने बोला है मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ रशिया का चोर बाज़ार। और वहाँ पे लूटपाट की वारदातें बहुत होती हैं, तो मामला थोड़ा सा गंभीर है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को साथ में लेके चलूँ और दिखाऊँ कि रशिया के चोर बाज़ार में क्या होता है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और गॉड ब्लेस मी। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना भूल गया, जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, जो पुराने हैं उनको ढेर सारा प्यार। चलो चलते हैं। ये मार्केट भी बड़ा अलग ही एरिया में है जो जहाँ जा रहे हैं हम लोग, चोर बाज़ार जिसको बोलते हैं। लेते हैं थोड़ा रिस्क, मज़ा आएगा। दो चार पे तो भारी होंगे, थोड़ा ज़्यादा होंगे तो भाग लेंगे और क्या। ऐसा लग ही नहीं रहा हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग में घूम रहे हैं। ये देखिए ना, बड़ा ही अलग एरिया। नहीं तो सेंट पीटर्सबर्ग में हर जगह बहुत ही बहुत खूबसूरत है एक्चुअली। ये तो कुछ शेडी टाइप का एरिया है। देखते हैं क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि ये चोर बाजार है, बट ये तो बहुत ही प्यारा सा मार्केट लग रहा है यार। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि देखो ना बड़ा प्यारा है। लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लोर करता हूँ, देखता हूँ क्या है चोर बाज़ार वाला मामला यहाँ पे और क्यों इतना ये इलाका क्यों इतना डेंजरस है। इसके बारे में सब लोगों ने मेरे को बोला यार, यहाँ तक कि होटल की रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि आप प्लीज़ ज़रा केयरफुल रहना, वहाँ पर लूट लेते हैं। बोला चलो देखते हैं, लूटते हैं थोड़ा सा। अच्छा है ये मार्केट, मज़ा आ रहा है यहाँ पर घूमने में। और ऐसा कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ हाँ डेफिनेटली यहाँ पे लोग आके आपसे पूछेंगे ज़रूर कि मैं ये फ़ोन है ये बेच लो, ये दे लो, या ये कोई चीज़ है इतने सस्ते में आधे से कम रेट में। बट जी बी केयरफुल, क्योंकि सब चोरी की होगी वो चीज़ें, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो मज़ा आ रहा है यहाँ घूमने में हमें, अभी तक तो मज़ा ही आ रहा है। आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है। ये देखो अच्छा, यहाँ पे आर्मी वाला टाइप कुछ है मामला। ओहो अमेजिंग है, वेरी नाइस, कमाल का मार्केट है। और ये आई एम श्योर ये रशियंस जो है ना यहाँ से ही ज़्यादातर कपड़े लेते हैं, क्योंकि मैंने यही कपड़े पहने हुए देखा है इनको हमेशा, और बहुत सस्ता है। मतलब हमारे पास लगेज का इशू है, नहीं तो मैं बहुत कुछ खरीद लेता यहाँ से। लगेज का बहुत बड़ा इशू है हमारा, ऑलरेडी ओवर लगेज हो गया हमारा। ये है एग्जैक्ट फ्ली मार्केट एक्चुअली, यहाँ पे यूज्ड किए हुए चीज़ें मिल रही हैं जो कि अपने को नहीं लेनी है बाबा। ये अपना अंधेरी स्टेशन पे स्टॉल नहीं लगती है जो, अंधेरी स्टेशन की स्टॉल वाला ये। हाँ तो गरीब लोग बेचारे यहाँ पे भी गरीब होंगे ना, गरीब हर जगह होते हैं, बट ये एक्सपीरियंस है भाई यहाँ पे आना। एंटीक्स भी मिल रहा है क्या? ये है यहाँ का अंधेरी मार्केट, मतलब अंधेरी का जो मार्केट लगता है ना, हार्ट बाजार टाइप, पुराने सेकेंड हैंड और बहुत सस्ते हैं, 50 रूबल 100 रूबल ऐसा। ये देखिए ऐसे लगाया हुआ है इन्होंने, वो जो शॉप्स मैंने देखी ना ये वाली है, वो उनके पीछे इन्होंने ऐसे मार्केट लगाया हुआ है। एक्चुअल फ्ली मार्केट है ये। ये देखो आप फीलिंग कितनी अच्छी है, लेकिन मस्त एकदम माहौल अच्छा है। टाइम क्या हो रहा है? 12 10
मस्त है यार शू, बट मैं ऐसे जूते पहनता नहीं हूँ। ये कुछ इस शॉप पे पूरा फिशिंग का सामान है, वेरी नाइस गाइस। इसको मास्क बना के रखा है। हाँ, इसको कोई मास्क बनाया हुआ। Woman, come on. Hey. Sorry, where are you from? India. India, good country. I've been in vacation in Goa. I'm not Indian, in Goa. Goa, yes. Goa, yeah. A beautiful destination, you know. Yeah. Oh, nice t-shirts. Yeah, thank you. ये खड़ा हुआ देखो, घड़ी भी बनाया है। ये देखो, उसको घड़ी वड़ी भी पहनाई है। ये देखो, उसको घड़ी पहनाई है। एक झाड़ू से टच नहीं कर मोक्ष, ऐसे टच नहीं कर तुम तो एकदम, मतलब ऐसा लगता है जैसे घर के ही हो, मतलब यहीं के हो, रशियन ही हो तुम। उधर से लोग वाले लेन में भी सन बिहेव करा था तुम। ये देखिए यहाँ पे, मतलब भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, अजीब अजीब चीज़ें मिल रही हैं, अलग अलग एकदम, पता नहीं। वॉचेस सब, सीधे कैमराज भी हैं। ये मार्केट इतना बड़ा है कि मैं कम से कम अभी तक अंदर ही अंदर 3 से 4 किलोमीटर चल चुका हूँ, लेकिन अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो आई थिंक अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि आगे भी बहुत लंबा है, तो आई वोंट बी एबल टू रीच ओवर देयर। बस इससे ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाऊँगा आप लोगों को, क्योंकि आगे बड़ा शेडी सा माहौल है। और अब एहसास हो गया है, जो लूटपाट वाली मैं बात कर रहा था वो है ना, ये इस इलाके पे होती है अंदर, क्योंकि यहाँ पे सब सेकेंड हैंड माल मिलता है, और सब मतलब अजीब अजीब से लोग हैं कुछ। अब हम लोग पूरा मार्केट घूम लिए हैं, थोड़ा थक चुके हैं, तो अभी कॉफ़ी ब्रेक हो रहा है और कॉफ़ी के साथ कुछ खाएंगे भी। यहाँ शवरमा बहुत अच्छा मिलता है। तो ये देखिए, बड़ा प्यारा सा आउटलेट है जहाँ बैठे हम लोग। हेलो लक्ष, और ये ऐसा कुछ है। Many minutes later. तो ये जो फ्ली मार्केट था, जो चोर बाजार, यहाँ से हम लोग निकले हैं अभी, और बहुत धमाल आया, मज़ा आया। हालांकि बहुत सारी चीज़ें थी खरीदने वाली, लेकिन खरीद नहीं सका मैं, क्योंकि ओवरवेट है हम लोगों का लगेज वैसे भी, तो बहुत इशू हो जाते हैं फ़्लाइट में, क्योंकि अभी हमें यहाँ से सोची के लिए फ़्लाइट पकड़नी है। सोची इज़ अनदर ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो वहाँ भी हम लोग काफ़ी दिन हैं, तो इसीलिए मैंने सामान ख़रीदा नहीं ज़्यादा। हालांकि मन तो इतना कर रहा था, ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो मतलब मेरे फ्लेवर की थी, मतलब रगेड जैकेट्स, लेदर स्टफ जो होता है ना, एकदम अलग ही चीज़, जो मतलब आपको कहीं मिलेगी नहीं और यहाँ के अलावा, तो अच्छा था। लेकिन हाँ, वो जो चोर बाजार वाली बात थी, जो डर वाली बात, पर्टिकुलर उस एरिया में था जहाँ मैंने आपको बताया था वो जो सेकेंड हैंड चीज़ें मिल रही थी, वो एक्चुअली ख़तरनाक था मामला। और जैसे हम लोग घुसे तो एक लड़का मेरे पास आया, बोलता है सैमसंग का फ़ोन है, आप लेंगे क्या? मतलब अपनी लैंग्वेज में बोल रहा था, हमने ट्रांसलेटर से बोलता 80,000 का फ़ोन है, मैं आपको 25,000 में देता हूँ। मैंने बोला यह तो ख़तरनाक चीज़ है, कहीं ऐसा ना हो कि चोरी, और एक्चुअली चोरी का ही होगा फ़ोन, को 25,000 में क्यों देगा। करते करते 15,000 पे आ गया वो, मतलब वो 5,000 में भी दे देता था वो फ़ोन, जो सैमसंग का जो फ़ोन है, लेटेस्ट फ़ोन। मैंने बोला कमाल है यार, बट हमने नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि हो सकता है कि 100% वो चोरी का था, और हो सकता है उसके ज़रिए हमें ट्रैक कर लिया जाता और हमसे पूछताछ की जाती, फंसने का मामला हो सकता था। इसलिए कभी भी चोरी की चीज़ कभी मत लो लाइफ में, बहुत ही डेंजरस होता है मामला। तो बाकी अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं, होटल जाएंगे, पैकिंग करना शुरू करेंगे। विद में हाँ जी, तो आज का दिन यहीं पे समाप्त हुआ। हम लोग आपको लेके गए थे चोर बाजार, और वहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लोर किया हम लोगों ने, सब कुछ मैंने आप लोगों को अपडेट किया है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी देयर विद अस। और एक और ब्लॉग आने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सोची, जो एक रशिया का बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है, उसे रशिया का स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है। तो कल हम लोग वहाँ जा रहे हैं, और आपको साथ में लेके चलते हैं, फ्लाइट में भी चलेंगे, और वहाँ पे क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तब तक
एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज अमित पचौरी एंटरटेनमेंट। तड़कते भड़कते रहना, तड़कते भड़कते रहना। बाय 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 लक्ष्य, कुछ बोलना चाहते हैं आप? बाय बाय।